So, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसकी आप हमेशा से तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की। एमपीपीईबी का जो कैलेंडर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आज आज है संडे और बहुत से जिलों में लगा हुआ है लॉकडाउन। तो आशा करता हूँ कि आप घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपीपीईबी का कैलेंडर काफी एक साल से पिछले से आया नहीं है, ठीक है, और आया था तो उसको हटा दिया जा रहा है। तो वो कोरोना के चलते पूरी जो परीक्षाएं थी सारी इधर उधर हो गई थी, सारी डगमगा गई थी। तो अभी जो दो परीक्षाएं वो महत्वपूर्ण परीक्षाएं एमपी पुलिस और एक शिक्षक भर्ती जो आपके अटकी हुई पड़ी है, जो लेनी है एमपी पीईबी को। तो आप जैसे जानते हैं आप भी बहुत से एमपी पुलिस का फॉर्म भरा होगा। तो सबसे पहले तो एमपी पुलिस की बात कर लेते हैं। तो एमपी पुलिस में आपने भी एग्जाम में फॉर्म फिल किया होगा कि जो बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने एमपी पुलिस की एग्जाम का फॉर्म भरा है और जो पोस्टपोन्ड होती आ रही है, स्थगित होती आ रही है एमपी पुलिस की एग्जाम। तो अब जो एमपी पुलिस की तारीख जो तय हुई है वो आपकी जुलाई में तय हुई है और उसका आपका नोटिफिकेशन आपको मई एंड में या जून के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा कि आपकी एमपी पुलिस की जो एग्जाम है वो कब होनी है। तो वो आपकी जो एग्जाम है आपकी जुलाई में होनी है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी एमपी पुलिस की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना के चलते टल गई थी आपकी एग्जाम। अब जो है आपकी जुलाई में होनी है एग्जाम, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी एग्जाम हो जाएगी और उसका जो अभी आपका जो नोटिफिकेशन है, आपको एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मई एंड या जून तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एमपी पुलिस के एग्जाम का कुछ तरीका था। जिसने अभी तक एमपी पुलिस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो अभी 2 से 2.5 महीने आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, तो वो अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकता है बहुत अच्छे से 2.5 महीने में। तो एमपी पुलिस की एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। बात करते हैं एमपी पीईबी के जो कैलेंडर है वो कैलेंडर 1-1.5 साल से आया नहीं है और डला नहीं है, तो वो भी आपका मई के एंड में आपका एमपी पीईबी का कैलेंडर एग्जाम में डल जाएगा और उसके साथ ही आपका जो एमपी पुलिस की सारी जितनी भर्ती है वो एमपी पीईबी कैलेंडर डाल देगी उसकी साइट पे। तो आपका मई एंड या जुलाई के फर्स्ट, जून के फर्स्ट वीक में आपका एमपी पीईबी का कैलेंडर आपको मिल जाएगा और उसमें बहुत सी ऐसी एग्जाम होगी जो आप जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। तो आपको उस कैलेंडर में बहुत सी ऐसी एग्जाम देखने को मिलेगी जो आपका जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं और जिसका इंतजार कर रहे हैं कि वो एग्जाम जल्दी से आ जाए। तो आपका जो कैलेंडर है वो जून के फर्स्ट वीक या फिर मई के एंड तक डल जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है, और ये 101% पक्की न्यूज है। तो ये आप मान के चलिए और जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उसको और अच्छे से तैयारी करें हर एग्जाम के लिए, तो आप आने वाली कोई सी भी जो एग्जाम है वो आराम से क्रैक कर सकें। और आगे बात करते हैं, तो आगे ये बात करते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि फेक न्यूज है, तो आप मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक तक देख सकते हैं एमपीपीईबी का कैलेंडर डल जाएगा। और जो कोरोना के लेके चलते हैं जो एग्जाम स्थगित हुई है तो वो एमपी पुलिस की आपकी एग्जाम जुलाई में हो जाएगी फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। और बात करें तो आपका जो पीईबी का जो है तो आपका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आपकी तैयारी आपको अच्छे से रखनी है क्योंकि एग्जाम्स आने वाली है और कोरोना के चलते आप समझ सकते हैं कि एग्जाम सारी गड़बड़ाई है और सब कुछ आगे पीछे हो चुका है। तो इससे अब हो सकता है आने वाले समय में लाइन पे आ जाए जुलाई के बाद, ठीक है। तो आप सही से तैयारी करिए और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।